यीशु स्वर्ग के पाछू जाऊं। जैसे दूत से परमेश्वर है यीशु के मौरे अंदर मुंजीदा जीवंदी कोरा तैसी दूत से तेस के दो चेले नेड़ी के गांव दे चाले रोए थिए। हरदे भी तीनू है यीशु के साथे जो कुछ हो रो थियो तित के बारे मुंजी बातों कर लोई थी। तीनू के उम्मीद थे कि से मसीहा थिया पर तब्बे बे से मोरे गुआ थिया। एबे से जी बेटी मनीषो बोलो कि से अट्यो जीवंदी हो गुआ। से न जानो थिए कि कुछ की बातों पांदी विश्वास कोरी और यीशु तीन के दौरे आए बा तीन वारी हांडा पर तीन के तैसी पोछानी ना तेने पूछू कि तुए कस के बारे मुझे बातों कर लोई। तिरुए यीशु के ही यीशु के बारे मुझे होई होंदी बातों के बारे मुझे बताऊ। तिरुए सोचो कि अमो कस परदेशियारी बातों कर लोई जो जानो ना कि यरूशलेम शहर दो का होय रो। तब यीशु है तीनू के समझो है कि परमेश्वर का बच्चन मसीह के बारे मुझे का बोलो। कई सालों आगे परमेश्वर की बातों बताने वाले बोले रहे थे कि बुरे लोग मसीह के दुख देंदे और मारे देंदे और परमेश्वर की बातों बताने वाले ये जो भी बोले रहे थे किसी तीजे दूसरे जिंदी हो जाता। जब से तैसे नगरों दे पहुंचे जितने से जब दो जूने टिकनो चाहती है तो तेतियो लम संबल को हो गो थे। तीनों यीशु के अपने साथे टिकनो कर हाइडे करे और उसे तीन वारी कोसी एक्की के गोरे होटा और जब तीते से ब्याली खांदे बोठे गुए तो यीशु एक रोटी करे और तित करिए परमेश्वर का धन्यवाद कोरा और तबे तो त्यों रोटी तोड़े तोलु ही तीनू है जाने पो किसे यीशु असो पर तोलु ही से तीन की आखी कहीं दा हाँ चुकुआ। तीनू दू जो ने अपी मुझे बोलो से यीशु थिया इत करिए जब तेने अमु के परमेश्वर के वचन के बारे मुझे समझाए लोए थिए तो आमे बेजाय खुशी थिए। तोलु ही से निकले बा पाछू यरूशलेम के ओटे। जब ऐसे पूछे तो तीनू चेले के बताऊ यीशु जीवंदी असो आमु तैसे के देख रहा है। जब चेला पी मुंजी पोली रोए थिए तो तोलु ही तीन के एकदम से यीशु कुमरे दा दिखिया और तेने बोलो तुओ के शांति बैठो। चेले सोचो किसे भूत असो पर यीशु बोलो तुओ कि तू के डरे रोए तू ऐसे काय ना सोचो कि हाँ भूत ना थी पर यीशु असो मेरे हाथ ला देखो भूतो दिहाड़ की और मांस ना हो जैसे के मुंह कहीं असो ये जो देखाणो करे कि से कुंजाई भूत ना थी तेने खाणो करे किछ मांगो। तीनू तैसे के मच्छी का एक टुकड़ा दिया और तेने से खाए पोवा। यीशु बोलो मेरे बारे मुंजी परमेश्वर का वचन जो किछ बोलो है से पूरा होंदा। मुए तू के बताए दियू कि तितको होनो जरूरी असो। तब यीशु तीनू के परमेश्वर का वचन ठीक से समझोआ। तेने बोलो बेजाय सालो उगड़ियो परमेश्वर की बातों बताने वाले लिखे राय थो कि मुख्य मसीह के दुख सहना पड़दा और मरनो पड़दो और तबे तीजे दूसरे मरे अंदर मुझे दा जीवंदी होंदा। तीनू परमेश्वर की बातों बताने वाले ये जो भी लिखे राय थो कि मेरे चेले परमेश्वर के वचन की घोषणा कर दे से सभी के पाप करने छोड़ देने के बारे मुझे बता दे। जैसे ऐसे के कर ले तो परमेश्वर तीन के पापों के माफ कर दा। मेरे चेले ऐसे संदेशों का प्रचार करना यरूशलेम शहर से शुरू कर दे तब ऐसे सभी ठाव दे सभी जाति मुझे जान दे। तुम सबे लोग मेरी इन बातों और कामों के गवाह सो जो मुए बोले और करे राय थिए और तिथु सभी के बे जो मेरे साथे हो रो थियो। मरियो जिंदी होने के बाद यीशु अपने चेले के कई भी देखिया एक भी तो से एक किस्म में पांदी 500 से ज्यादा लोगों के देखिया। तेने अपने चेले पांदी कई तरीके ले साबित करो कि से जिंदी सो और तेने तीनू के परमेश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा दे। यीशु अपने चेले के बोलो परमेश्वर मुख्य स्वर्ग और धरती के सभी आदमी पांदी राज करनो का अधिकार दे रहा है। इत करी अबे हाँ तुओ के बोलू जाए बस सभी जाति के लोगों के चेला बाणो। ऐसे का करनो करिए तुए पिता बेटा और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देओ। जो किछे बे मुआ तुओ के आज्ञा दे रहा है तीनू सभी बातों के माननी बे तुओ तीनू के सिखानी पड़ दी। याद रखो हाँ हमेशा तुम्हारे साथी रोंदा। यीशु के मरे होंदे मुंजी दे जीवंदी होने के 40 दिनों के बाद तेने अपने चेले के बोलो जाओ तोड़ी के मेरा बापू तू शक्ति ना दे ता तोड़ी यरूशलेम शहर दे टिके होंदे रहो से तू पांदी पवित्र आत्मा छाड़े बा ऐसा के करदा। तबे यीशु स्वर्ग दा होटी गुआ और एक ही बाद रहते से कह तिनकी नजर पर ऐसा छुपाए दिया। स्वर्ग दा यीशु सभी चीजों पांदी राज करनो करिए परमेश्वर के स्वयं डोबो बोठी गुआ। मत्ती अध्याय 28 मरकुस अध्याय 16 लुका अध्याय 24 यूना अध्याय 20
और प्रेरितों के काम अध्याय 1 पौरे से बाइबल की एक कहानी।